हुआ हुंकार रैली में पूरे प्रदेश भर से मोटरसाइकिलों पर सवार होकर कार्यकर्ता जींद पहुंचे और रैली में भाग लिया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित पार्टी के कई बड़े नेता मोटरसाइकिल पर सवार होकर रैली स्थल पहुंचे। तो वहीं मुख्यमंत्री सब अपनी बाइक चलाकर आए। रैली में भाग लेने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से अमित शाह का स्वागत किया। मंच पर पहुंच रही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का फूलों से स्वागत किया गया। उन्हें बुके भेंट स्वरूप दिए गए। रैली में लोगों की इतनी भीड़ देखकर अमित शाह काफी खुश नजर आए। वहीं दौरान अमित शाह ने रैली में भाग लेने पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और अपने संबोधन में उन्होंने सुभाष बराला को बधाई देते हुए इतनी बड़ी रैली को अविस्मरणीय बताया और सभी पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को बधाई दी। अपने भाषण में उन्होंने हरियाणा को वीर जवानों, किसानों और खिलाड़ियों की भूमि बताते हुए इसे युवाओं की भूमि भी कहा। उन्होंने हरियाणा के सम्मान में बोलते हुए कहा कि अगर देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की एक सूची बनाई जाए तो इस सम्मान में हरियाणा का नाम सबसे ऊपर आएगा। वहीं अपने भाषण में उन्होंने विपक्ष द्वारा किए गए रैली के विरोध पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने उनसे 4 साल का हिसाब मांगा था। इस पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस के हिसाब की बात कही और पूछा क्या हमें उनसे हिसाब लेना चाहिए या नहीं। अविस्मरणीय है मित्रों, संगठन की ताकत पर सिर्फ कार्यकर्ता इकट्ठा करकर हर बूथ से कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन करकर इतनी बड़ी रैली करना, भाई सुभाष बराला को जितने भी बधाई दी जाए वो कम है। उनकी टीम कि देश में खाने का अनाज अपने ही देश में पकाया जाए, जब हरित क्रांति का नारा दिया गया ये हरियाणा की ही भूमि है जिसने देश के अन्न के भंडार किसानों ने भर दिए और आज अन्न के मामले में भारत स्वायत्त दिखाई पड़ता है, ये हरियाणा के किसान की बदौलत। इसके साथ साथ सब जितने भी संगठन खेलों के लिए चलते होंगे, सबसे ज्यादा मेडल लेने वाले जो राज्य है, कांग्रेस पार्टी ने कहा हमें कार्यकर्ताओं की रैली का विरोध करना। भाई साहब पाइप पाल और पाइप पाई का हिसाब लेकर आया हो, हिम्मत है, कलेजा है तो कान खोल कर सुन लेना। मित्रों, जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसके शासन के अंदर 13वां वित्त आयोग आया था। 13वें वित्त आयोग में हरियाणा को 14,900 करोड़। इंडेक्स के लिए जीन से उनताश भोला के लिए।